नाजरीन, जब कोटली से आप निकियाल की तरफ जाते हैं तो रास्ते पर ये व्यू पॉइंट है जिसका नाम टोपियां व्यू पॉइंट है, और यहाँ पर एक भाई फोटोग्राफर भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कासम नाम है मेरा। कासम साहब, किधर के रहने वाले हैं आप? मैं इधर सप्लाई का ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डेली आप होते हैं? नहीं, मैं कभी कभार आता हूँ इधर, रमज़ान में इतना काम नहीं होता, बंदे हिंदे नहीं आते ना। ठीक है, तो इसलिए कभी कभार आता हूँ इधर। रश यहाँ पर किन दिनों में ज़्यादा होता है? दिन में ज़्यादा होता है, जुमे वाले। हाँ जी, ठीक है। जो बचत है आपकी पर डे की कितनी हो जाती है जब काम ठीक हो तो? ठीक है, 1200 रुपया हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है जी। तो यहाँ से आप पिक्चर्स बना के फिर उन्हें व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं? हो जाती हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आकिब आबिद और इस वक्त मौजूद हूँ नकियाल में। और ये जो नकियाल है, इसका जो पुराना नाम था वो थकियाला था, और जो यहाँ के राजपूत हैं थकियाल राजपूत, उनके नाम से इसका नाम थकियाला रखा गया, और बाद में इसको चेंज करके डार फतेह मोहम्मद खान करेलवी, उनके नाम से इसको मंसूब किया गया, और फतेहपुर थकियाला के नाम से इसको अब जाना जा रहा है। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर शहरियों से भी बात करेंगे और ताजरों से भी बात करेंगे, उनके मसाइल जानेंगे। और ये जो साबिक सदर आज़ाद कश्मीर और साबिक जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उनका इलाका है सरदार सिकंदर अयाद खान साहब का, और यहाँ पर हम मिलेंगे मुख्तलिफ लोगों से और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारून रशीद। हारून साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मोड़ा वैसे डहाना है गाँव में, गेम ऊपर पीरिकल इंजन से नीचे जाना पड़ता है। क्या काम काज करते हैं आप? मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल का। प्रिंसिपल है, कौन से स्कूल के? मुहैद्दीन इस्लामिक। इधर नकियाल में ही है? नहीं, उधर ही है अपने। ठीक है, गेम। तो यहाँ पर सर हम आए, यहाँ के जो अवामी मसाइल हैं वो जानना चाह रहे हैं कि क्या है, अवामी मसाइल कौन से हैं जिनका आप लोगों को सामना है? मैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि चलो इस वसासत से कोई बात करने का मौका मिला है। तो यहाँ से ऊपर जो हमारा एरिया है ना, वो तकरीबन LOC में शुमार होता है, और सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ती है, और ज़्यादातर इलाका जो है ना वो कच्ची आबादी वाला है। इसके अलावा कोई साफ पानी पीने का निज़ाम कोई इतना अच्छा नहीं है, बाद का चश्मे इतने मिट्टी से बाहर जाते हैं, हेज़ा, उसके अलावा मच्छर इस कदर ज़्यादा होता है उधर कि हर बंदा यानी मलेरिया का उधर शिकार है हमारे यहाँ। तो जब हालात ख़राब होते हैं तो एक तो रोड बड़ी ख़राब है हमारी, अगर रोड टूट फूट का शिकार है बहुत ज़्यादा। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको उसको थोड़ा सा विज़िट कराऊँ, और मीडिया के हिसाब से ये हमारी चीज़ जो है ना वो आगे काम बाला तक भी जाए, क्योंकि ये वाइज रोड है जिसके साथ हमारा लिंक मिलता है बालाकोट मोड़ा डबसी तक ये जाती है। और LOC के दौरान जब फायरिंग होती है तो बेशुमार ऐसे मिसाल होते हैं, हम उन जख्मियों को चरपाई पर उठाकर लाते हैं। उसके अलावा बहुत बाद डिस्पेंसरी नहीं है उधर, एक कमरे में एक हमने रखे हुए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अगर आपकी ये आवाज़ मेरी जाती है। एम्बुलेंस के वाले से कोई सहूलत आपको है या नहीं? एम्बुलेंस की सहूलत नहीं है, मैंने आपको बताया कि हम चारपाई पर उठाकर तो उस बाद पक्की रोड तक लेकर आते हैं, यानी ऊपर हाइट तक। तो अगर एम्बुलेंस एक मिल जाए तो समझे हमारा बहुत पुराना मुतालबा पूरा हो जाएगा। नाजरीन, ये ज़िला कोटली की तहसील नकियाल है, और यहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी मज़ीद भी शहरियों से मिलेंगे और ताजरों से, और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। आरफ साहब, किस तरह का जा रहा है आपका यह कारोबार? महंगाई की वजह से काम काज कोई भी नहीं है। ये कब, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 2005 से ये काम कर रहा हूँ, चूहे मार गोलियों बेच रहा हूँ 2005 से। पहले हालात कैसे थे कारोबार के? बेहतर थे, बहुत अच्छे थे। क्या कुछ सूरत हाल चल रही है? यार रेना टायर पंचर हो गया, एक घराई करी था टायर ना चढ़ाओ, ठीक है, इतना हालात ख़राब है, महंगाई इतनी है, शुरू ची तिहाड़ भी नहीं पूरी पैनी जान, बड़े हालात ख़राब हैं। अच्छा, महंगाई ने आपको भी परेशान कर रखा है? बहुत परेशान किया था, कोई जाना साढ़े बारे कोई सोचा गवर्नमेंट, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं साढ़े। घर का जो किचन है उसकी क्या कोई सूरत हाल है, वो किस तरह चल रहा है? बहुत मुश्किल चल रहा है, बहुत मुश्किल। गरीब आवाम है और लेडीज़ है ना, वो तो कहती हैं इसमें भी हमें डिस्काउंट मिले, तो आप इसमें, आप हमारे भी तो इसमें सिर्फ टोटल 50-60 रुपये होता है इसमें मार्जिन, तो इसमें भी डिस्काउंट मांग रही हैं। आपका नाम? हाफिज़ मोहम्मद रकीब। हाफिज़ रकीब साहब, यहाँ पर हम आएँ और आपके मसाइल जानना चाहते हैं कि आप लोगों को किन मसाइल का यहाँ पर सामना है?
देखें हमारी जो पीर क्लिंजर की ये रोड है बहुत टूट फूट है, इसमें तो बहुत जो है ना दुश्वारी का सामना करना पड़ता है आवाम को और बहुत मुश्किलात हैं, और अगर एक मज़ीद बारिशें हुई तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इस सूरत हाल में हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि वो जो है ना हमारी इस मुश्किलात से हमें निकालें। आपका नाम? मोहम्मद नसार खान जनाब। नसार साहब, कैसा काम काज जा रहा है? काम काज बहुत सुस्त रफ्तारी से जा रहा है जनाब, क्योंकि महंगाई की वजह से जो हमारी उम्मीदें थी वो नहीं है। हम पहले सोच रहे थे कि पहली आएगी तो हमारा कारोबार चलेगा, ना पहली भी गुजर गई, अपना रोज़े के बाद गुजरेगा होगा कारोबार, लेकिन कारोबार नहीं है। जो हमारी जो सोच थी वो उसके मुताबिक नहीं है। ये कब से कारोबार आप कर रहे हैं? ये तकरीबन मैं साल से ये कारोबार कर रहा हूँ। इससे कबल जो रमज़ान आया था उस वक्त हालात कुछ और थे या यही थे? फ़र्क था पहले और अभी में बहुत फ़र्क है, यानी अभी जो आवाम पहले बाज़ार की एक रौनक थी वो अभी वो रौनक नहीं है। महंगाई की वजह से यानी कारोबार आपके मुतासर हो रहे हैं? बहुत मुतासर हैं, ख़ासकर लोग आ नहीं रहे, किराए पेट्रोल डीजल वगैरह महंगा होने की वजह से घरों से लोग नहीं आ रहे। मेहरबानी सर, शुक्रिया। सर आपका नाम? शमशाद अहमद तैयब। के निकाल के लोगों को कौन से मसाइल का सामना है? सर सबसे बड़ा मसला तो निकाल में नहीं है, बल्कि ये हम आपको कह देते हैं कि ये पूरे आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में जो सबसे अहम मसला है, इशू चल रहा है, वो महंगाई का चल रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि तकरीबन मिडिल क्लास तबका जो है वो इस वक्त पिस चुका है, उसमें किसी के पास इतना जो है ना वो रकम नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए सूट खरीद सके, वो अपने बच्चों के लिए रमज़ान में कोई अफ्तारी की बेहतर चीज़ जो है ना वो ले जा सके। आपका नाम? उमर हयात। उमर साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मोड़ा गिम फतेहपुर से केला। ठीक है, तो आप कारोबार कर रहे हैं इधर? जी जी। किस तरह का जा रहा है कारोबार? कारोबार ओवरऑल तो जो महंगाई का एक तूफान आया है पूरे मुल्क के अंदर, उसकी वजह से बिज़नेस कम्प्लीटली डिस्टर्ब है। आए दिन रेट्स का बढ़ना, छोटा ताजर तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, इसकी वजह से कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है मुल्क के अंदर महंगाई के ऊपर। ऐसे किस तरह की रोड्स हैं इधर आपकी जो मोहल्लों में और देहातों में हैं? रोड्स के हवाले से जो स्टार्ट में बनी थी 1985 के बाद जो बनी है उनकी तो बहुत बुरी हालत है। इस हवाले से बहुत दफ़ा पिछली हुकूमत जो थी जिसमें मिनिस्टर सरदार फारूक सकंदर साहब भी, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि अब नई रोड्स बनाने के बजाय हमें पुरानी रोड की रिकंडीशनिंग करनी चाहिए। और हकाइक भी यही है कि पुरानी की हालत बहुत ख़राब है। जिस इलाके के अंदर मोड़ा गेम के अंदर मैं रहता हूँ वहाँ इस टाइम जो हमें कोई 3 किलोमीटर के लगभग हमें नई रोड मिली है, लेकिन जो पुरानी रोड है उसकी हालत बहुत ख़राब है, इंतहाई ख़राब है। वहाँ तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर हमारी जो सड़क है उस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। और यहाँ पे जो मिनिस्टर जो MLA सेलेक्ट हुए हैं वो तो हमें उस हवाले से कोई एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। MLA का कोई इस वक्त हलके के अंदर किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। पब्लिक के अंदर उनकी मतलब वो एक अवामी नुमाइंदे हैं, उन्हें यहाँ पे लोगों के जो मसाइल हैं रोड्स के हवाले से, दीगर जो इश्यूज़ हैं इंतज़ामिया के साथ हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। वो उस इलेक्शन जीतने के बाद आज तक मैंने उन्हें किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं देखा है। आपका नाम? निसार। कहाँ के रहने वाले निसार साहब? इधर निकाल का रहने वाला हूँ। क्या कोई सूरत हाल है आपकी इधर निकाल की, यहाँ पर क्या मसाइल हैं आपको? सबसे ज़्यादा मसाइल तो हैं ये बाज़ार के महंगाई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके आठ से ये बाज़ार की नालियों का मसला है। बाज़ार में कोई इतना बड़ा सिस्टम सदर वाला नहीं है, वो कोई ऐसा चल रहा है कोई सिस्टम बाज़ार का, कोई महंगाई पे पूछने वाला कोई नहीं है, ना कोई सुनाई है। बस एक दफ़ा आते हैं महकमे वाले वो देख कर चले जाते हैं, बोले दोबारा वही रेट होता है। एक दुकानदार का अलग रेट है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है। यहाँ पर जुर्माने भी हुए हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की तरफ से? हुए जुर्माने, बहुत से आदमी को जुर्माने हुए, लेकिन वो जुर्माने एक दफ़ा होते हैं फिर वो दूसरी बार ख़त्म हो जाते हैं, फिर वही कमाई शुरू हो जाती है। ये हुआ ना कि एक दफ़ा क्रैकडाउन हो तो फिर उसके बाद जो है ना फिर होगा, बाकी भैया रमज़ान में नहीं माफ़ करते हैं। तो काम काज आ रहा है?
بس اللہ کا الگ الگ شکر ہے بس گزارا ہو رہا ہے. ہاں مہنگائی کی وجہ سے کاروبار اسی طرح ہی ہے یا کچھ فرق آ رہا ہے؟ نہیں بہت فرق آ رہا ہے, بہت فرق, بہت فرق آ رہا ہے. اعظم لال ہے جی. کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ میں پیر کلنجر گیم بالا کا رہنے والا ہوں. تو یہاں پر کون سے مسائل کا سامنا ہے آپ کو؟ سر ہمارے لیے مسائل یہ ہیں, یہ ہماری سڑک جو ہے ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے, جو یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کافی مسائل ہیں جو ہے نا. یہ آپ وہاں پہ چیک کریں جو ہے نا, ملاحظہ کریں جگہ کا, بالکل وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے اور کافی مشکلات کا سامنا ہے, آئے روز حادثات بھی ہوتے ہیں. میں ریٹائرڈ صوبہ دار نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میری یہ شاپ ہے تو بنالا میں ایک سڑک ہے, بنالا کراس سے وائل جا رہی ہے, اس پہ کوئی گاڑی بھی نہیں چلتی ہے, ٹھیک ہے جی. آج ایک کلو میٹر سڑک ہے, اس کے لیے بار بار گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے لیکن کسی نے کوئی کھاتا کر رہا ہے. مہنگائی کے لیے لوگ جو ہے نا وہ پیسے ہوئے ہیں, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ جی ہر انسان جو ہے نا وہ نہ آٹا لے سکتا ہے, نہ گھی لے سکتا ہے, نہ چینی لے سکتا ہے. عوام اتنی تنگ پڑی ہوئی ہے اور اس حکومت سے اللہ تعالیٰ جان چھڑائے ہمیں, اس کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کدھر پھینک دے اس حکومت کو کہ ہماری جان, غریب آدمی کی جان چھڑ کے. اور ہم جو ہے نا انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اس حکومت کو اللہ تعالیٰ دفع کرے اور غریب عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہو, کوئی نئی حکومت آئے. نام آپ کا؟ میرا نام چودھری محمد اعظم, دکاندار بنالا روڈ. اعظم صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ میں ڈبسی کا رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہاں نکیال کا ہم وزٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے. جناب جیسا کہ سب کو علم ہے, مجھے بھی علم ہے اور آپ کو بھی علم ہے کہ اتنی مہنگائی کے دور دورے میں یعنی ڈبسی سے جو لوگ آتے ہیں یعنی 200-300 روپے وہ کرایہ, 300 روپے ہے, وہ لوگ یہاں آ کے کیا خریداری کریں گے؟ پھر جانے آنے جانے کا یعنی 600 روپے کرایہ ہے ایک بندے کا. تو غریب آدمی 600 روپے کرایہ دے کے نکیال سے خرید کے کیا لے جائے؟ لیکن جو ہے نا سپلائی کا آٹا تو ملتا ہی نہیں ہے, وہ تو نام کا رہ گیا ہے. اس سپلائی کے آٹے پہ مکمل کنٹرول ہونا چاہیے کہ کتنے آٹا یہاں آتا ہے, کتنا جاتا ہے, غریب لوگوں کو ملے وہ. اس طرح آٹے کے سلسلے میں لوگ سخت, اور تو اور باقی مشکلیں تو ہیں نا, آٹے کے سلسلے میں آگے لوگ اتنے مجبور ہیں کہ سپلائی کا آٹا بر وقت غریب آدمی کو نہیں مل سکتا. ناظرین آج کے سیشن میں ہم نے آپ کو نکیال کے لوگوں سے ملوایا اور ان کی جو مشکلات ہیں اور ان کو درپیش جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.